यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां। इसका मतलब मेरे दोस्त, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परजीत कुणाल और आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों साथियों, आज मैं आपको बता देता हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी शुड नॉट डू इन आवर लाइफ। माई डियर फ्रेंड्स, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स। इसका मतलब कभी भी अपने आप की तुलना किसी और के साथ मत कीजिए, क्योंकि आप जो हो वो यूनिक हो। एक पुरानी कहानी है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही शानदार है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कौवा था और कौवे को तकलीफ क्या थी, क्या आप जानते हैं कि उसका रंग काला था। एक महान ज्ञानी स्वामी जो कि अपना स्नान करके जा रहे थे और जाते जाते उनके गाल पे अचानक से पानी की बूंद गिरती है। जैसे पानी की बूंद उनके गाल पे गिरती है तो ऊपर देखते हैं कि ये बूंद कहाँ से गिरी, और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं उन्हें पता चलता है कि ऊपर पेड़ पर बैठ के एक कौवा रो रहा था। साधु जी कौवे से पूछते कि तू रोता क्यों है, तो कौवे ने बोला ये भी कोई जीवन है, रो नहीं तो क्या करूँ, काला ये भी कोई रंग है। साधु ने पूछा खुश नहीं हो क्या, तो कौवा बोला बिल्कुल भी नहीं। साधु ने पूछा क्या तकलीफ है, कौवा बोला अरे तकलीफ ही तकलीफ है, इसके घर पे बैठू काऊ काऊ करूँ, लोग उड़ाए कोई हमें पालता है। आपने कभी देखा किसी ने कौवे को पाल के उसे खाना खिलाया, दो रोटी खिलाई, रात पे काम आता हूँ झूठा खाना खिलाते हैं लोग, क्या जिंदगी है हमारी। साधु जी बोले कि क्या बनना चाहता है अगर दोबारा मौका मिले, चल बनाता हूँ तुझे आज। उसने बोला जिंदगी में अगर दोबारा मौका मिले कुछ बनने का तो हंस बनना चाहूंगा। वाह क्या जिंदगी है, जबरदस्त सफेद रंग शांति का प्रतीक है। आह साधु जी बोले चल आज बनाया तुझे हंस, लेकिन एक शर्त है। कौवा बोला शर्त क्या है। साधु जी ने बोला कि एक बार हंस से मिलता, मिलके तो आ। भागा भागा गया। हंस भाई क्या मस्त रहता है रे तू, क्या रंग दिया है तुझे भगवान ने, कितना एंजॉय करता है रे तू, आय हाय 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 क्या रंग है। पानी में पेडल मारता है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि चल रहा है, क्या सफेद सफेद रंग आप उनका देख काला, कितना खुश रहता होगा रे तू। हंस बोला कौन बोला रे तेरे को कि मैं खुश रहता हूँ। बोला यू आर नॉट हैप्पी। हंस बोला नॉट एट ऑल। कौवा बोला तुझको क्या तकलीफ है। हंस बोला ये भी कोई रंग है, मौत के बाद वाला रंग, सफेद रंग ये भी कोई रंग है, लोग तस्वीर खींचते पानी की खींचते या मेरी खींचते पता ही नहीं चलता। कौवा बोलता है मतलब तू भी खुश नहीं है। हंस बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर दोनों गए साधु जी के पास। फिर कौवा साधु जी से बोला कि साधु जी हंस भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। फिर साधु जी बोले कुछ तो मामला गड़बड़ है। साधु जी हंस से पूछते कि तुझे अगर मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा। तो हंस उन्हें जवाब देते कि साधु जी पैरट बना दो मुझे, उसकी क्या चोच क्या रंग, आहा उसे लोग पालते, उसे मिठू मिठू बुलाते, कितना प्यार करते उसे। फिर साधु जी बोले मैं तुझे आज पैरट तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि तुझे जाके पैरट से मिलना है, एक बार मिलके तो आओ दोनों जाके। दोनों भागते हुए जाते, पैरट भाई कहाँ है तू, हम आ रहे हैं। और जंगल में एक पेड़ होता है जहाँ पे बहुत सारे पैरट लोग रहते हैं, और वो उस पेड़ के पास जाते हैं, उसके चार चक्कर लगाते हैं, जब जाके उन्हें एक बार पैरट उन्हें दिखता है। भाई क्या मस्त जिंदगी रहता है, अरे मिठू मियाँ क्या जिंदगी है रे तेरा, कितना खुश रहता है रे तू, क्या लाल लाल चोच तेरी, क्या पर तेरे, क्या बदन तेरा, क्या जिस्म तेरा, आहा लोग तुझे पालते कितना प्यार करते, और तुझे क्या क्या नहीं खिलाते, काजू बादाम तक तुझे खिलाते, कितना मजे करता है रे तू, कितनी मजेदार तेरी जिंदगी है रे। तोता बोला कौन बोला रे तेरे को। तो ये तोते से पूछते कि तू भी खुश नहीं है। तोता बोला बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तो ये तोते से फिर से पूछते कि तुझे क्या तकलीफ है। तोता बोला बेटा तुम इस पेड़ के चार चक्कर लगा रहे थे, तुमको मैं दिखा नहीं, ये क्या रंग है, मैं तो इस पेड़ के रंग में मिक्स हो जाता हूँ, तुम्हें दिखा नहीं चार चक्कर लगाने के बाद भी। तो तीनों जाते साधु जी के पास, और फिर ये दोनों फिर से बोलते साधु जी तोता भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। फिर साधु जी तोता जी से सवाल करते कि तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे। फिर तोता जी बोलता है कि मुझे पीकॉक बना दो, क्या नेशनल बर्ड है, कितना निराला है, आहा मुझे पीकॉक बना दो। साधु बोलते हैं कि चलो मैं अभी के अभी तीनों को पीकॉक बनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, पीकॉक से जाके मिल के आओ। अरे मिल के तो आओ कैसा है। तीनों साथ में मिल के जाते हैं मोर को ढूंढने, बोलते मोर भाई किधर है तू। फिर जाते मोर,
क्या ईश्वर ने जिंदगी दिया है रे तुझे, क्या जिंदगी है तेरी। बाबू जब तेरे पंख खुलते हैं ना, लोग दीवाने हैं तेरे इस पंख के, आहा तस्वीरें निकालते फोटो खींचते, क्या नेशनल बर्ड है रे तू। तेरे नाचने के इंतजार में जब घटा बरसती है ना, तो जब तू नाचता है लोग तेरे दीवाने है रे, तेरे लोग दीवाने है। रह जाता है रे तू क्लासेस के अंदर, कितना खुश रहता होगा रे तू। फिर मोर बोलता है, अरे किसने बोला रे तुझे। वो लोग मोर से पूछते कि तू भी खुश नहीं है। मोर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर वो लोग मोर से पूछते, अभी तुझे क्या तकलीफ है। फिर मोर बोलते, ध्यान से सुनो, तुम्हें एक आवाज सुनने में आएगा। फिर वो बोलते, क्या है ये, क्या है ये। मोर बोलते, और ध्यान से सुनो, देखो हमारे नजदीक आ रहे, तो क्या है ये। ऐसा वो पूछते, मोर बोलता है, ये है शिकारी जो कि कल आया था और माँ को मार डाला। माँ के जिस्म से एक एक पंख को नोचा गया है, अभी इस पंख को पूरे शहर में, पूरे देश में बेचा जाएगा, लोगों के घर में लगाया जाएगा। अरे क्यों बनना है तुम्हें मोर, क्या ये जिंदगी है। हमें पता नहीं है किस पल हम जिएंगे, किस पल हम मरेंगे। फिर कौवा उसे पूछता है कि अभी तू ही बता कि तेरे हिसाब से कौन सी जिंदगी अच्छी है, क्या बनना चाहिए और कौन सबसे ज्यादा खुश है। मोर ने कौवे से बोला, तू, तेरी जिंदगी सबसे अच्छी है। कौवे ने बोला, मेरी कैसी है। तो मोर का जवाब सुनेगा, मोर कौवे से बोलता है, तूने मटन बिरयानी सुनी है। कौवा बोलता है, हाँ। तूने चिकन बिरयानी सुनी है, हाँ। क्या तूने कौवा बिरयानी सुनी है, नहीं। तुझे किसी से खतरा है, नहीं। तेरे को किसी की वजह से तकलीफ, नहीं। तेरे वजह से किसी को तकलीफ, नहीं। फिर तू जी रहा है तेरी जिंदगी मजे में, तुझे किस बात का डर है, तुझे किस बात की चिंता है, तुझे किस बात की तकलीफ है, एकदम मजे में तू अपनी जिंदगी जी रहा है। अरे हमें अगले घंटे का पता नहीं है, हम कब जगेंगे, कब मरेंगे, कुछ भी हमें पता नहीं है। तो सबसे बढ़िया कौन, किसकी जिंदगी सबसे बढ़िया है। माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इस कहानी का मॉरल क्या है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आज हम जो कंडीशन में है, आज हम जो है, जिस अवस्था में है, जिस रंग में है, हम मस्त है। माय डियर फ्रेंड्स, किसी से भी खुद की तुलना मत कीजिएगा, हम जो है यूनिक है, हमारी तुलना किसी और के साथ मत कीजिए। साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा दिमाग में रखना, यदि आप खुद को जीवन में कुछ पाने लायक नहीं समझते, तो लोग भी आपको जीवन में कुछ पाने लायक नहीं समझेंगे। इसीलिए खुद का सम्मान कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए, खुद के बारे में कमजोर लाइनों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, को हल्के में लेना बंद कीजिए, खुद का अपमान करना बंद कीजिए, खुद को किसी से कम समझना बंद कीजिए, और फिर देखना आप दुनिया में कितनी कामयाबी हासिल करोगे, कितने ऊंचे लेवल तक आप जाओगे। साथियों, अभी बारे आते हमारे चैनल के मोटो के, अगर आप उसे सुनते, ये सफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य, इसे अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो है दृढ़ निश्चय, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, दृढ़ निश्चय, कड़ा अभ्यास एवं बुलंद हौसले निश्चित ही जीत का आधार है। साथियों, निश्चित ही जीत का आधार है। पूरा विश्वास है, पूरा पता है कि यह वीडियो को देख के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को किसी से कम नहीं समझोगे। और अगर आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और आप दूसरों की मदद करना चाहते हो, तो आपके परिवार को दिखाइए, फ्रेंड्स को दिखाइए, आस पड़ोस के लोगों को दिखाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। ऊपर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा, और उसी के साइड में बेल आइकन होता है, अगर आप उसे दबाओगे तो आप मेरी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करोगे। तो वो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जो कि आपको इस चैनल के नीचे आपको दिख जाएगा, नीचे मेरा मेल दे, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय दोस्तों।